जमूर है? तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों की अकल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला? जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला, बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला, शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत, शिक्षा पैसे वालों की, सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। चल ना रही है मौसी। मर गया दिखे, मुझे मार रहा है, बदबू मार रहा है बहुत। अरे कौन है रे उधर? अरे हम हैं यासीन। जरा यहाँ आइए तो। आ तो सही। जरा देख तो यहाँ पे कुछ पड़ गया दिखे। का पड़ गया दिखे। कितनी गंदगी है पानी में। बहन जी आजा कौशल्या, मैं यहाँ हूँ। बहन जी कुएं में ना, कुएं में कुत्ता मर गया। क्या? हाँ रात को गिर पड़ा शायद। सबसे पहले सवेरे मूर्ति ने देखा, एकदम सर गया। हाँ बदबू मार रहा है। किसी ने कुएं से पानी तो नहीं पिया अभी? कुत्ते को तो निकाल भी दिया, अब तो सब भर रहा है। मुझे पहले बताना चाहिए था। मुझे तो अभी पता चला। तू जल्दी जा कुएं पे और सबसे कह दे पानी कोई ना निकाले, मैं अभी दवाई लेके पहुंचती हूँ। पानी निकालने को मना कर दूँ? हाँ हाँ जल्दी कर, लोगों ने पीना शुरू कर दिया तो बीमार हो जाएंगे। कोई ना मानेगा बहन जी, सवेरे सबको खाने पीने के लिए चाहिए होता है। अरे तू क्या कसम है कि खाना पीना इसी कुएं के पानी से बनेगा? दो तीन दिन ये पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पर बाकी सब कुएं तो ठाकुर बाबा मोहल्ले में है। तो क्या हुआ, वहाँ से लेके आएंगे? थोड़ा चलना ही तो पड़ेगा। वहाँ से कोई ना लेन देने का बहन जी। क्या कैसे नहीं बनने देंगे? मजाक समझ रखा? अब तुम उससे बहस करने के बजाय जल्दी जाके लोगों को रोक और किसी को भेज यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर की बोरी ले जानी पड़ेगी। घंटे के लिए पानी में डूबा जाएगा। उठो भी, कल पानी की जांच होगी, फिर
फिर पता चलेगा कि ये पानी पीने लायक हुआ कि नहीं। लो बोलो, तब तक पानी कहाँ से भरेंगे? उसकी भी सोच ली है कि ये काम करके ठाकुर साहब के पास जा रही हूँ। ठाकुर साहब? वो क्यों? ताकि उनके मोहल्ले से पानी भरा जा सके। अब चलो भी। तब तो भर लिया पानी। देखती हूँ कैसे नहीं भरने देते। मालूम है लोगों ने ये पानी पी लिया तो क्या होगा? क्या होगा? हैजा, टाइफाइड, पेट की कितनी ही बीमारियाँ, दांत खारिश, न जाने क्या क्या बीमारियाँ हो सकती है। तो आप ये सब उनको समझाएंगे? और नहीं तो क्या, आखिर ग्राम प्रधान है। दवा डलवा के आपने अच्छा किया हेल्थ विजिटर साहब, लेकिन आपको एक बात नहीं मालूम कि जब तक हमने ग्राम सभा की तरफ से ये कुआं नहीं खुदवाया था तब तक ये लोग बरसाती तालाब का पानी पीते थे, उसी में खुद भी नहाते थे और अपने जानवरों को भी नहलाते थे, कपड़े धोते थे और आसपास टट्टी पेशाब भी फिर दिया करते थे और फिर वही पानी खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। इनके पेट लगकर हजम पत्थर हजम है और अब तो आपने दवा भी डलवा दी। आप बेफिक्र रहिए, इन्हें कुछ नहीं होने का। ये पानी पीकर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और होंगी ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। दवा डालने के दो दिन बाद तक भी ये पानी पीने की इजाजत मैं नहीं दे सकती। तो क्या दो तीन दिन उन्हें भूखा प्यासा रखेंगे? उनके नन्हे बच्चों का कुछ तो ख्याल कीजिए उषा देवी। आखिर वो आपके मोहल्ले से पानी क्यों नहीं ले जा सकते? सारा जिला इस बात को जानता है कि मुझे छुआछूत में कोई विश्वास नहीं, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता और वैसे भी मैंने इन सब सामाजिक कामों की जिम्मेदारी नौजवानों पे छोड़ दी। अच्छा होगा अगर आप कामता प्रसाद से बात कर लें। समझ में नहीं आ रहा कि आप ये सिरदर्द क्यों मोल ले रही हैं? आप तो अपने हेल्थ सेंटर में जाकर बैठी, अगर कोई बीमार होगा तो वो खुद ही दौड़ा चला आएगा। मुझे नसीहत देने के बजाय आप लोग ये छुआछूत का चक्कर खत्म क्यों नहीं करते? यहाँ लोगों के बड़ी संख्या में बीमार होने का खतरा है और आप इन तकियानुसी रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं। अगर ग्राम सभा के मेंबर होने के नाते आपका कुछ फर्ज बनता है। ग्राम सभा के मेंबर हैं पर गांव की रीति रिवाज और परंपराओं की रक्षा करने के लिए, ना कि उनको मिट्टी में मिला देने के लिए, समझे? अरे अरे देरी मत कर, जल्दी रहमान के ठिये पे पहुंच ले, सब मई खट्टी आ रही है, आ जा आ जा। मने कर दी ना? हाँ, वो तो आपके शकल से ही पता चल रहा है। मुझे तो यासीन ने बताया कि आप ठाकुर साहब के सामने हाथ फैलाने गई। दीदी जब हमने अपने लिए भीख ना मांगी तो आप कैसे चली गई? कमला, मैं भीख मांगने नहीं गई थी, मैंने तो सोचा था कि मैं उन्हें समझा पाऊंगी। बेकार है उन्हें समझाना दीदी, हमारी समझ में आ गई है ना बात, बस इतना काफी। अरे हम तो ऐसे ही ले आएंगे बगैर किसी से पूछे। हाँ दीदी, सारी औरतें इकट्ठी है रही हैं, किसान सभा वाले भी और खेत मजदूर यूनियन वाले, सब जात के लोग इकट्ठे है रहे। अरे दीदी, गरीब का साथ गरीब ही देता है, अब तुम देखना सब लोग मिलकर जाएंगे, ठाकुर पाड़े से भी पानी आएगा और बावन मोहल्ले से, दोपहरी से पहले सब घरों में पानी पहुंच जाएगा, नहीं तो मेरा नाम भी कमला ना है। दीदी तुम इतना घबरा गई कि मुझे बुलाया तलक नहीं, उन नवाबों के पास पहुंच गई। हमें इतना कमजोर मत समझो दीदी, हमें आता है अपना हक कैसे लिया जाता है। अरे अरे, वो चार चार कल से उठा के ले जा रही है, लेकर कैसे आएगी? अम्मा भी आ रही है तो वो भी आएगी। अच्छा दीदी, अगर तुम ना बताती तो हम तो वही पानी पी लेते, अरे हमें क्या पता। अच्छा मैं चलूं?
कुछ बाल्टी वगैरह लेके नहीं जा रही? मेरा आदमी ले गया ना रमेश। हाँ दीदी, हम लोगों ने काम बांट रखे, पानी भरने का काम उसी के जिम्मे। अच्छा अच्छा चलती हूँ। बेन जी नमस्ते। तू भी जा रही है सबके साथ? हाँ जी। माँ की तबीयत कैसी है? बेन जी कुछ खाती ना है, मुझे ही कहती रहे वे मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। ज्यादा कमजोरी की वजह से कई मर्तबा भूख मर जाती है। अच्छा ये बता, उसने इस कुएं का पानी तो नहीं पिया? ना बेन जी, सवेरे से ही प्यासी बैठी है, लेके जाएंगे ना जे तो ही पिएगी। अच्छा अच्छा तो चल। नमस्ते। नमस्ते। मजबूत दीवार तोड़ी है, इसे दोबारा ना बनने देंगे। अल्लाह मेघ दे पानी दे, पानी दे रे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह पानी दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह पानी दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह पानी दे, अल्लाह मेघ दे। सुना दाई? आओ बहन जी आओ, ये पानी लाई हूँ तुम्हारे लिए, उबला हुआ है। अरे आपने क्यों तकलीफ करी? कैसी हो? कमजोरी आ रही है फिर से। कुछ खाओगी नहीं तो कमजोरी तो आएगी ही, उसे कुछ खाया ना जाता है, ना लगता है। फिर भी कोशिश करके खा लिया करो, एक साथ ना भी खाया जाए तो थोड़ी थोड़ी देर बाद खा लिया करो। तुम्हारे खाने पीने के बारे में ही बताने आई हूँ। मुंह का स्वाद जाने कैसा है रहा है, कुछ अच्छा ना लगे तो खाने को थोड़ा चटपटा बना लो, कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ी खटाई या नींबू डाल लो, और आंवले की चटनी तो बन ही सकती है घर में। हाँ लाल मिर्च बिल्कुल मत खाना। ये सब कुछ अब मूर्ति को ही बता देना, वही सब कुछ संभाले है आजकल। मूर्ति को तो आने में देर लगेगी, तुम ही ध्यान से सुन लो, उसे बता देना। मुझे कुछ भी याद ना रहे सच, मैं उसी को आपके पास भेज दूंगी। मुझे आज ही और दो गांव में जाना है। ऐसा करती हूँ, मैं कागज पे लिख देती हूँ। उसे पढ़ेगा कौन? मूर्ति को तो आता है ना है। तो उसके भाइयों को तो आता है, और तुम्हारा तो आदमी भी पढ़ा लिखा है, किसी से भी पढ़वा लेना। अच्छा ये लो।
ठाकुर पाड़े के वहाँ पे जब सगरे पहुंचे तो वहां पे रमेश भैया ने चबूतरा पे चढ़ के खूब भाषण किया, और जब सब पानी भरन लगे ना तो वो और कमला दीदी दोनों ही बामन मुल्ला के कुआं पे जा पहुंचे, और वहां पे तो अम्मा उससे भी ज्यादा भीड़, वहां पे कमला दीदी ने भाषण किया, मैं तो दोनों ही जगह से एक एक कलश भर लाई। मां सोनिका, जी का है? जे तोरा खाना और जे पा ई की मात्रा ना पीना। ये खाना के नीचे जे ना पढ़ा जा रहा, क आ की मात्रा का और का र आ की मात्रा ला, जे ना बड़ी की मात्रा नी, जे ब न आ बना, जे लाल लाल म। तू तो पढ़ ही ना पा रही है। अरे इतना तो पढ़ लिया, या का मतबल का हुआ? वो तो पूरा पढ़ के ही पता चलेगा। तो पढ़े ना। अरे सुने, जे उषा बहन जी लग गई दिखे तेरी अम्मा की खुराक के बारे में, इतना तो मुझे बिना पढ़े मालूम हैगा। अरे जाना, बिना पढ़े मालूम हैगा। ए मूर्ति, खाना बन गया? ए रामपाल, इधर आ। तो क्या बात है, कहाँ है? क्या है? बैठ जा, ये देख तुझे का लिखा है जरा, ये देख। जी है ना, ये बहन जी दे रही हैं। खाना हल्का खाना, गेहूं या ज्वार का दलिया, दलिया या दाल की खिचड़ी, खटाई या नींबू डाल के चटपटा बना लो, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं, दिन में कई बार खिलाओ। ये है कहा? उषा बहन जी दे गई हैं, अम्मा की खुराक के बारे में है। इतना झंझट? अच्छा, तेरे लिए जो पके वो झंझट ना, और अम्मा का खाना झंझट है क्या? अरे आगे। दिन में कई बार खिलाओ, दाल दलिया धोकर पकाना, अधगला खाना मत खिलाना, गाजर मूली साग गुड़ वगैरह खिलाना। ले पढ़ दिया, पूरा पढ़े ना। ले पढ़ तो दिया। ये पीना में काली खा जरा पढ़ियो। गंदा पानी मत पी। तुझे कैसे मालूम जे पीना लिखा है? इतना पढ़ना तो मुझे भी आ गया है। ओहो, पढ़ना आवे तो खुद पढ़ लेना। ले, मैं नहीं पढ़ता। पढ़े ना। मैं नहीं पढ़ रहा। तो पढ़ भाई, पढ़ ले। गंदा पानी मत पीना, पानी को छान कर हो सके तो उबाल कर पीना, दूध अगर ना पचे तो पतला करके पीना। समझ ना आवे, फिर से पढ़। गंदा पानी मत पीना, पानी को छान कर हो सके तो उबाल कर पीना, दूध पीना अगर ना पचे तो पतला करके पीना, पानी को ढककर रखना। ले जल्दी रोटी दे मेरे लिए। बस है? हाँ बस, पढ़ दिया पूरा। गेहूं का दलिया। किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत, औरत जो बढ़ गई तो वो दब कर न रहेगी, हरगिज नए समाज के जुल्मों को सहेगी। औरत की कहानी है ये, औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये, औरत की जुबानी।